नाद ब्रह्म गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। आपके सामने प्रस्तुत है CBSE द्वारा जारी किए गया हिंदुस्तानी म्यूजिक पर्कसन इंस्ट्रूमेंट्स कोड नंबर 036 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम के साथ, यानी फॉर्मेट उसका जो है, जो 2020 और 2021 के लिए है, क्लास 12 का। ये जो थ्योरी पेपर है 30 नंबर का रहेगा, लेकिन इस बार कुछ चेंज किया गया है। दो खंडों में विभाजित रहेगा, दो सेक्शन में, एक सेक्शन 15 नंबर का, दूसरा सेक्शन 15 नंबर। तो सेक्शन ए जो है MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जिसमें आपको एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन करने होंगे, और सेक्शन बी में जो है आपको 5-5 नंबर के सब्जेक्टिव 3 प्रश्न करने होंगे। तो अब आप देख सकते हैं, ये पर्कसन इंस्ट्रूमेंट का है। पर्कसन मतलब अवनद वाद्य अध्याय, जो तबला और पखावज दोनों के लिए होता है। तो अब मैं आपके सामने सैंपल क्वेश्चन पेपर पढ़कर बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किन्हीं 15 प्रश्नों के सही उत्तर इंगित कीजिए। एक है पहला क्वेश्चन, रूपक ताल में कितने मात्रा होते हैं। इसके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। जो सही होगा वो आपको बताना है। उठान बजाया जाता है दिल्ली, अजराड़ा, बनारस, पंजाब किस घराने में बसता है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन जो है, चार ताल विशेष रूप से बजाया जाता है, पखावज, ढोलक, नाल इनमें से कोई नहीं। चौथा है, बंद बाज के नाम से जाना जाता है दिल्ली, अजराड़ा, बनारस, फर्रुखाबाद। दोस्तों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका आंसर भी आपको आखिरी में बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अजराड़ा घराने के संस्थापक कौन थे, पाँचवा क्वेश्चन है। उस्ताद सिद्धार्थ खां, उस्ताद निजामुद्दीन खां, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद कल्लू खां और मीरू खां। छठा क्वेश्चन, पंडित किशन महाराज का संबंध दिल्ली, पंजाब, बनारस, लखनऊ किस घराने से, ये आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है, तबले के कितने घराने हैं, 4, 5, 6 या 7, इनमें से जो सही हो आपको टिक करना है। कुदाऊ सिन्ह कौन थे, आठवां प्रश्न है। पखावज वादक, तबला वादक, ढोलक वादक या नाल वादक। एक ताल में कितनी खाली होती है, 1, 2, 3, 4। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से, दसवां प्रश्न है, बनारस, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब। ग्यारहवां क्वेश्चन है, तीना इस ताल को पहचानिए, ये कौन सी ताल है, 1 ताल, 3 ताल, छप ताल, रूपक ताल। बारहवां क्वेश्चन जो है, ये जीरो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, मात्रा, ताली, सम या खाली। किसी भी ठेके को चौगुन में कितनी बार बोला जाता है, ये 13वां क्वेश्चन है, 4, 3, 2, 1। 14वां क्वेश्चन जो है, राजा छत्रपति सिंह जाने जाते हैं, पखावज वादक, तबला वादक, नाल वादक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको अवनत वाद्य से संबंधित, यानी तबला या पखावज से संबंधित जितनी भी जानकारी है CBSE की कक्षा 11 और 12 की, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, यानी ऑल कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ उपलब्ध होगा, और वो भी सिक्वेंस वाइज ऑथेंटिक और पूर्णतः प्रमाणिक है, जो आप पढ़कर, देखकर, समझकर आप पूरे 100% अंक पा सकते हैं। इसके अलावा आप तबला सिद्धांत नामक पुस्तक का अध्ययन भी कर सकते हैं, जो पूरा आपके CBSE बेस्ड पर लिखा गया है, और ये आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सहायता से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसमें 15वां क्वेश्चन जो है, उस्ताद करामतुल्लाह खां का संबंध है अजराड़ा, फर्रुखाबाद, दिल्ली और बनारस, इनमें से एक आपको बताना जो उत्तर सही होगा। आड़लय की कायदों के लिए जाना जाता है अजराड़ा, बनारस, लखनऊ, पंजाब। 17वां क्वेश्चन है, तबले में कितने गट्टे लगे होते हैं, 4, 6, 8, 10 आपकी ऑप्शन है। 18वां क्वेश्चन है, तीन ताल में कितनी मात्रा पर खाली होती है, 6, 7, 8, 9, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सही बताना है। 19वां है, रूपक ताल के ठेके को दुगुन की लय में बोला जाए तो बोलों की संख्या क्या होगी, 10, 12, 13, 14। 20वां है, चार ताल में कितने ताली होती हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन दिया है, 20 में से आपको किन्हीं 15 को करना है, और ये जो खंड बा है, खंड बा में भी इसी प्रकार आपको ऑप्शन दिए गए, ये भी 15 नंबर का पेपर है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करना है, और तीनों क्वेश्चन 5-5 नंबर में डिवाइड होंगे। आप देखिए, पहला क्वेश्चन, तबले के इतिहास को संक्षिप्त में लिखिए, अथवा पखावज के इतिहास को संक्षिप्त में लिखिए। ये चूंकि अवनत वाद अध्याय का पेपर है, और अवनत वाद के अंतर्गत तबला और पखावज दोनों आते हैं, इसलिए दोनों विषय के प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो तबले के विद्यार्थी तबले का इतिहास लिखेंगे और पखावज के विद्यार्थी पखावज का इतिहास। दूसरा क्वेश्चन है, तीन ताल में एक उठान को ताल लिपिबद्ध कीजिए, अथवा आदि ताल में एक साधारण चक्रधार परण को ताल लिपिबद्ध कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी पखावज का है, पहला तबले का। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में भी, तबले के घराने के विषय में लिखिए अथवा पखावज के घराने के विषय में लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, तीन ताल में एक कायदा दो पलटे एवं एक तिहाई के साथ लिपिबद्ध कीजिए, अथवा आदि ताल में एक रेला को दो पलटे एवं तिहाई के साथ ताल लिपिबद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक ताल को दुगुन की लय में ताल लिपिबद्ध कीजिए, अथवा चार ताल को दुगुन की लय में
तालिकाबद्ध कीजिए। इस प्रकार आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से किन्हीं 3 को करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो 6वां क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है, ये यद्यपि 5वां है, मिसप्रिंट यहाँ पे हो गया, 3-4 एक साथ लिख गया है, तो ये कुछ अधूरा सा दृष्टिगत हो रहा है। एक ताल को दुगुन की लय में ताल लिपिबद्ध कीजिए, हूबहू ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता अमूमन। यदि पूछा भी जाएगा तो या तो एक ताल का परिचय देते हुए दुगुन की लय में लिपिबद्ध करिए, या दुगुन के साथ तिगुन या चौगुन जोड़ के ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, आप इस चैनल पर जाकर सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और ये सबसे पहली बार आपके सामने YouTube में दिया जा रहा है। इसी प्रकार से पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है वो भी दिया जा चुका है, और आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस, रिवाइज सिलेबस जो है वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, यानी COVID-19 के बाद का जो सिलेबस है। अब देखिए इसका जो है आंसर की भी CBSE ने जारी किया है। अब देखिए आपके सामने आंसर की उपलब्ध है। पहले नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पहला नंबर था उसका आंसर होगा C-7। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा C-बनारस घराना। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा K-पखावज। चौथे प्रश्न का उत्तर है K-दिल्ली। पांचवें प्रश्न का उत्तर है घ-उस्ताद कल्लू खां मीरू खां। छठवें प्रश्न का उत्तर है G-बनारस घराना। इसी प्रकार सातवें प्रश्न का उत्तर है G-6। आठवें प्रश्न का उत्तर है पखावज वादक का। नौवें प्रश्न का उत्तर है K-2। दसवें प्रश्न का उत्तर है G-पंजाब। ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर है G-रूपकताल। बारहवें का है G-खाली। तेरहवें का है K-4। चौदहवें का है K-पखावज वादक। और पंद्रहवें प्रश्न का उत्तर है फर्रुखाबाद, जो खा ऑप्शन में था। सोलहवें प्रश्न का उत्तर है K-अजराड़ा। सत्रहवें प्रश्न का उत्तर है G-8। इसी प्रकार अठारहवें प्रश्न का उत्तर है G-9। 19वें प्रश्न का उत्तर है 14, जो घा ऑप्शन में है। और 20वें प्रश्न का उत्तर भी G-4। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो सेक्शन बी में आपको जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसके बारे में भी CBSE ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है। तो आपको जैसे पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है तो कैसे लिखना, यह भी बताया गया है। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ तबला, यानी कैंडिडेट से उम्मीद की जाती है कि वो तबले के इतिहास के बारे में उसका वर्णन करे, तबले का इतिहास लिखे। इसी प्रकार पखावज के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन को कैसे लिखना उसकी भी गाइडलाइन जारी की गई। राइट उठान इन 3 ताल, मतलब आपको 3 ताल में जो है उठान एक लिपिबद्ध करना है सिस्टमेटिक ढंग से, जिसमें आपको ताल, मात्रा, ताली, खाली और विभाग सभी प्रदर्शित करने हैं आपको, यानी पूर्णतः सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखना है। इसी प्रकार साधारण चक्रधार परम जो पखावज के लिए, वो भी आपको ताल नोटेशन में पूर्णतः लिपिबद्ध करना है, जिसमें ताल, मात्रा, ताली, खाली, विभाग सभी दर्शाए गए हों। इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न है, द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू राइट डिफिनेशन, यानी ये उम्मीद की जाती है कि आप घराना का परिभाषा भी आप लिखिए। घराना की जो विशेषताएं हैं वो कुछ कलाकारों के नाम, फेमस कंपोजिशन यानी जो उसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको बताते हुए घराने के बारे में लिखना है। इसी प्रकार पखावज के बारे में भी दिया गया है। और चौथा क्वेश्चन जो है, 2 कायदा आपको लिखना है पलटे के साथ और 1/3 के साथ, नहीं 1 कायदा 2 पलटे और 1/3 के साथ लिखना है 3 ताल में, जो सिस्टमेटिक ढंग से होगा। जैसे ताल का जो है चिन्ह है वो आपको दर्शाना है, ताली, खाली, मात्रा, विभाग, ये सब कुछ दर्शाते हुए आपको लिखना है। इसी प्रकार रेला को भी लिखना है। और इसी प्रकार 5वें क्वेश्चन का आंसर भी जो है आपको 1 ताल को दुगुन को ताल नोटेशन में लिपिबद्ध करना है उसकी ताली, खाली और मात्रा के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी, और आप इस चैनल पर सर्च कर सकते हैं जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, यानी ऑल कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जीवन परिचय यानी बायोग्राफी के बारे में यहाँ पर नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है, आ सकता है, तो बायोग्राफी भी आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार आड़ कुआड़ बिहार की जो लयकारी है वो भी पूछी जा सकती है। इस प्रकार आपके सामने ये पहली बार यूट्यूब में डाला गया है आपका जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और एक बार फिर से आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अधिक से अधिक जो है लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए, और अपने दोस्तों को भी आप बताइएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से या हमारी पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो आपके 100% अंक ज़रूर आएंगे, और आप इस चैनल में पूर्णतः सिलेबस यानी कंप्लीट सिलेबस भी डाला जा चुका, वो भी आप देख सकते हैं, जो COVID-19 के बाद का रिवाइज किया गया सिलेबस है। और आप को यदि कोई और समस्या है, कोई परेशानी है, कोई कुछ चीज़ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने की।